तो हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं करीमुआ का साग। तो ये देख लीजिए, करीमुआ का प्लांट है। तो हम यहाँ से देखिए ऐसे पतला पतला क्या करेंगे, इसी तरह से ढेर सारे इसकी जो नरम नरम कलियाँ हैं साग को, ऐसे इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको खोट लेंगे। साग को क्या करेंगे, इस तरह से हम खोट लेंगे करीमुआ का साग। फिर इसको क्या करेंगे, चाकू से काट लेंगे पतला पतला, और इसमें आलू मिला के इसका साग बनाएंगे। तो आगे की रेसिपी हम आपको आगे चल के शेयर कर रहे हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, एकदम आयरन रिच। तो साग पसंद करने वाले करीमुआ का साग ज़रूर खाते होंगे 100%। तो इस तरह देखिए, हम करीमुआ के साग को क्या करेंगे, इसी तरह से खोट लेंगे ढेर सारा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने साग को क्या कर लिया, एकदम फाइन पत छोटा छोटा क्या कर लिया है, कट कर लिया है। और इसमें जैसे जिन लोगों को नहीं पसंद है वो बिना आलू के बना सकते हैं, लेकिन मुझे आलू के साथ पसंद है, इसलिए हमने दो आलू क्या किया, इसमें पतला पतला छोटा छोटा आलू काट लिया। आपको जिस शेप में आलू को काटना है आप उस शेप में क्या कर सकते हैं, आलू को काट सकते हैं। ये देखिए आज हमारे खेत से इतनी, अभी पहला भिंडी था तो इतना भी भिंडी का मिला है। इस तरह से फ्रेश खेत का भिंडी है हमारे, मतलब खेत क्या है, छोटा सा हमारा किचन गार्डन है। तो इस तरह से हमने काट लिया। देखिए इसी के साथ हमने क्या किया है, लहसुन लिया है और इसमें थोड़ा सा एक मिर्च, हम लोग मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इसमें क्या किया है, एक मिर्चा और लहसुन की 6-7 कलियों को क्या कर लिया है, बारीक काट लिया है। तो इसके आगे की रेसिपी हम आपको थोड़ी देर बाद शेयर करते हैं, जो है मतलब इसी के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए, साथ में हम आपको इसके आगे की रेसिपी शेयर करते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को विदाउट स्किप किए। हमने लोहे की कढ़ाई को चढ़ा दिया है। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो साग होता है ना, वो लोहे की कढ़ाई में ही बहुत टेस्टी लगता है। वैसे आपके पास जो भी कढ़ाई हो आप उसमें बनाइए, बट लोहे की कढ़ाई हो तो ना साग का मज़ा ही अलग रहता है, बहुत यम्मी लगता है। तो देखते हैं आगे का प्रोसेस, अब करते हैं। तेल डाल दिया है और जैसे ही क्या होगा, हमारा तेल यहाँ पे देखिए गैस जल रहा है तेज, जैसे ही गर्म हो जाए मतलब इसमें से थोड़ा सा धुआं टाइप का निकलने लगे, तो मतलब हमारा तेल क्या है, अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब हम तेल में डालेंगे थोड़ी सी जो है जीरा डालेंगे। जिसको पंचफोरन पसंद है वो पंचफोरन भी डाल सकता है, लेकिन हम जीरा ही डालेंगे, मुझे जीरा पसंद है तो मैं जीरा डालती हूँ। जीरा यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जीरा एकदम चटकने लगा है। तो अभी इसमें हम डालेंगे जो है वही अपनी कटी हुई, यहाँ पे कटी हुई जो हमारी है जो है लहसुन और गार्लिक एंड मिर्ची, ठीक है, लहसुन या फिर इसको इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं, है ना, जिसको ना समझ में आए। तो लहसुन है और मिर्ची है, बहुत सिंपल, जितना सिंपल रेसिपी है बहुत सिंपल है और बहुत स्वादिष्ट होता है। सबसे बड़ी बात कि आयरन से भरपूर होता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे साग वाली पत्ते वाली सब्जियाँ खाने पर क्या होता है ना कि गैस बना देता है, बट अगर आप इसको खाएंगे ना तो गैस नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात मैंने ये नोटिस किया है। तब वो डायरेक्ट तो हम इसमें क्या करेंगे, साग को डालेंगे, क्या करेंगे, सब्जी चटनी डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम जितना भी आपका टेस्ट है ला बनता है, उसमें क्या करेंगे नमक डाल दीजिए, जो भी जिस हिसाब से आपको खाना चाहते हैं कम होता है उसमें मिला दीजिए। नमक डालने से क्या होता है, पानी भी छोड़ देता है। इस स्टेज में उसमें क्या करेंगे, उसमें कम से कम नमक मिला दीजिए, उसके समय में उसमें नमक मिला दीजिए। ये हमारा उसके साथ हमें आपका घर का फ्लो फ्लो है ना, उसको एकदम कम कर दीजिए, एकदम ही कम कर दीजिए। तो ये सब्जी है ना, ये अपना पानी खुद छोड़ता है, तो अपना पानी जब छोड़ेगा तो ये पक जाएगा। हम इसको ढक देंगे, ढक करके पका देंगे 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट पकाएंगे। और ये जो गैस की फ्लेम है वो एकदम स्लो होना चाहिए, क्योंकि ये देखो धीरे धीरे अपना पानी खुद छोड़ता है, अपना पानी छोड़ के उसी से पकता है। यार को ढक दिया है, ये देखिए हमने सब्जी इस तरह से हमने इसको ढक दिया है। अब 5 मिनट छोड़ेंगे, सब्जी पक जाएगी। तो फाइनल लुक हम अपनी सब्जी का आपके साथ साग बोलते हैं, साग कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपनी करीमुआ के साग का रेसिपी फाइनल आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साग एकदम पक चुका है, बढ़िया से तैयार हो चुका है। सबसे जो है एक चीज़ आपको बतानी है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो साग है उसमें मतलब वो जल रहा है तो आपको क्या करना है, ये मत सोचिएगा कि मैम ने कहा था, मैंने बताया था कि पानी नहीं डालना है, तो पानी आप डाल सकते हैं। अभी मेरा साग पकड़ने लगा क्योंकि मैंने आलू डाल लिया है, तो आलू मतलब ज़्यादा उसको थोड़ा पानी चाहिए था, तो आप पानी डाल सकते हैं। तो पानी बन के तैयार हो चुका है, पानी अभी हमारे साथ का इस तरह से है, आप देख सकते हैं अच्छे से, और बना के खाइएगा, इंजॉय करिएगा। जब सिटी में है तो मार्केट में भी करेलों का साग मिल जाता है, ठीक है। अब हर शहर में तो नहीं पता, लेकिन हम जहाँ मतलब अभी मैं गांव में हूँ, लेकिन मैं जिस सिटी में मैं पढ़ाई करती हूँ, तो वहाँ पर भी साग आराम से मिल जाता है, तो आप बना के खा सकते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, थैंक यू।